derivation of Newton's law of cooling from Stefan's law. From Stefan's law. Let T is equal to T naught plus theta. Plus theta, where theta is small temperature difference between T and T naught. T and T naught. According to Stefan, according to Stefan, the rate of loss of heat, is equal to kya ho jayega? Q is equal to स्टीफन ने बताया था सिग्मा टी नॉट प्लस थीटा पावर फोर माइनस टी नॉट पावर फोर. इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा टी नॉट पावर फोर बाहर कर ले तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस थीटा अपॉन टी नॉट, होल पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4. और सॉल्व करते हैं इसको या इसको एक्सपेंड करते हैं. Expanding the term, one plus theta by T naught power four by binomial theorem. And keeping only first term
फर्स्ट टर्म। तो स्पेंड करेंगे देन क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा टी नॉट पावर 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस 4 इनटू थीटा अपॉन टी नॉट। माइनस टी नॉट पावर 4। स्कोर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा सिग्मा 4 सिग्मा टी की पावर टी नॉट पावर 3 टी नॉट पावर 3 इंटू थीटा। दिस इज क्यू। अब इसमें यहां पे आपका सिग्मा लिख लेंगे वेयर इज कॉन्स्टेंट फोर सिग्मा टी नॉट पावर 3 इज कॉन्स्टेंट सो क्यू इज इक्वल टू या क्यू इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस टी नॉट। So we can say thus we can say the rate of cooling of a body is proportional to the proportional to the temperature difference of between the body and its surrounding. Surrounding.